बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से अहले वतन को आज़ादी की खुशियां मुबारक हो। आज आप हमारी आज़ादी की दास्तान नशरियात देख रहे हैं। आज पाकिस्तान में और जहां जहां मुसलमान आबाद हैं, अपना जश्न आज़ादी जोश व खरोश से मना रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आज़ादी एक नेमत है, और इस नेमत को वही जानता है या तो जिसने ग़ुलामी बर्दाश्त की हो या जिसने आज़ादी अपनी आँखों से देखी हो। आज 14 अगस्त का दिन 1947 की हमें वो याद देता है कि आज के दिन हमें उस अहद को दोहराना है कि जिस अहद में जिन कारकुनों ने जितनी अनथक मेहनत और लाखों कुर्बानियां देकर ये वतन अज़ीज़ हासिल किया, आज हमें उसी जज्बे को दोहराकर इस वतन अज़ीज़ को बचाना है। आज का प्रोग्राम हम उस सरहद से कर रहे हैं जहाँ पर कई लाखों कारकुनान ने अपनी जानों का नजराना दिया। इसी वजह से उनकी जानों के नजराने के बाद ही हमें ये हसीन मुमलिकत नसीब हुई। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में एक तो वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान अपनी आँखों से बनते हुए देखा, और एक वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रजेंट किया, हमेशा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। अपने मेहमानों का आपके साथ तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक पाकिस्तान के बड़े सरगर्म कारकुन फिदा अहमद कारदार साहब। इनकी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए वो हम सब जानते हैं। इन्होंने पाकिस्तान अपनी आँखों से बनते हुए देखा, उस तहरीक में हिस्सा लिया, उस तहरीक का हिस्सा बने, और आज चूँकि आज़ादी का दिन है, आज़ादी के दिन हम इनको पूरी कौम इनको इन कारकुनों को सलाम पेश करती है। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राशिद महमूद साहब। राशिद साहब एक मारूफ अदाकार हैं, मारूफ फनकार हैं, और राशिद साहब ने जिस तरह कारदार साहब ने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, तो राशिद महमूद और इन जैसे कई फनकारों ने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। तो राशिद साहब की भी जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम कदर की निगाह से देखते हैं, पूरी कौम उसको कदर की निगाह से देखती है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं तहरीक पाकिस्तान के एक और सरगर्म कारकुन मिर्ज़ा अहमद हसन साहब। ये भी कुछ देर पहले मुझे बता रहे थे कि जब पाकिस्तान मारे वजूद में आया तो इनकी उम्र 18 साल थी। तो नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी आँखों से बनते हुए देखा, पाकिस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिया, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी हवाले से इन तीनों का पाकिस्तान की आज़ादी और उसके बाद कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं चाहूँगा कि हम इनको अपने गुफ्तगू का हिस्सा बनाएँ, अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएँ। और आज चूँकि आप हमारी ट्रांसमिशन आज़ादी की दास्तान देख रहे हैं, तो आज़ादी की दास्तान इन्हीं की ज़ुबानी हम सुनते हैं। फिदा अहमद कारदार साहब से बात का आगाज़ करेंगे। कारदार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइएगा कि आज़ादी, चूँकि हम बात करते हैं आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, तो आप क्या देखते हैं आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए? आपने तो ख़ुद आज़ादी को अपने करीब से देखा है। मैंने तो यानी ज़्यादा सेंट्रल मॉडल स्कूल में मेरे साथ हिंदू यानी पढ़ते थे, एक सेक्शन में अगर 40 यानी स्टूडेंट हैं तो उनमें से कुछ तकरीबन 30 हिंदू और यानी 10 मुसलमान थे। अच्छा, तो उनके लिए उनके साथ मुकाबला करना जो है वो बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि मुसलमानों ने हिंदुओं के आगे झुकने की कोशिश नहीं की, बल्कि हिंदुओं से ऊपर चले गए। आप आज़ादी, चूंकि आपने आज़ादी तो 1947 में अपने करीब से देखी है, तो ये बताना कि यानी अपना 13-14 अगस्त की दरमियानी रात जो है वो मैंने जाके काटी, क्योंकि उस दिन लाहौर में खौफ व खराज बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और लोग यानी एक दूसरे से बहुत डरे हुए थे। तो मेरा घर जो था वो हिंदुओं के बहुत करीब था, और यानी एक बलालगंज था उसमें मुसलमान बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने हमें तहफ़ की यानी यकीन दिलानी कराई थी कि अगर जब तुम पे हमला होगा तो हम आपके यानी आएंगे आपकी मदद करने के लिए, लेकिन ये नौबत आई तो उस दिन तमाम यानी अपना हिंदू थे वो सब भागे, और सबसे पहला नारा जो था पाकिस्तान बन के रहेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, वो सबसे पहला नारा कमालगंज से भरा, इसके बाद बुलालगंज आया, इसके बाद तमाम पूरे लाहौर में जमात नारा फैलता चला गया। बिल्कुल ठीक है। आज हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, राशिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरहद पर मौजूद हैं हम और बात कर रहे हैं आज़ादी की। आज़ादी, राशिद साहब, कितनी बड़ी नेमत है पहले हमें ये ज़रा बताइएगा, चूँकि
आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, कितना फ़ख्र है, ये आज़ादी कितनी बड़ी आप नेमत समझते हैं अपने लिए? देखिए जैन, आज़ादी जो है ना वो कुर्बानियाँ देकर मिलती है। हमारे पुरखों ने अपने आबाओ अजदाद की कब्रें दियारे गैर में छोड़ के इस आज़ाद अर्ज़ वतन पे बेशुमार कुर्बानियों के बाद आए और फिर हमें ये आज़ाद धरती, ये अर्ज़ पाक, ये ज़मीन जिसे पाकिस्तान कहते हैं वो मिला। मैं आज़ादी की दास्तानें अपने बुज़ुर्गों से सुनता रहा, बल्कि इवन चूँकि मेरा आगाज़ इस शोबे में रेडियो पाकिस्तान से हुआ था, तो इस मुल्क में जिसने सबसे पहले ये कहा था कि ये रेडियो पाकिस्तान है वो थे मुस्तफ़ा अली हमदानी साहब। मुझे उनके साथ भी काम करने का इत्तेफाक हुआ हुआ, मैं बिल्कुल छोटा सा था इस वक्त, मैं 60+, बल्कि सचमुच बोल दूँ आई एम यंग ओल्ड मैन, मैं 67 बरस का हूँ, इसके तो गवाह हैं हम। और उसमें मेरा पार्टिसिपेशन, इसमें मेरे खुशकिस्मती ये रही कि मैं जिंदगी में जहाँ जहाँ जिन शोबों में रहा, मेरी सराउंडिंग में जो लोग थे वो सारे के सारे वो लोग थे जो इस मुल्क को इस की आज़ादी में बड़े पेश पेश रहे। अच्छा। तो सो मुझे उनके करीब रहने का मौका मिला, उनसे सुनने का मौका मिला, उन्होंने जिन जिन अदवार से वो गुजरे, मसलन ये फिदा साहब बैठे, मुझे आज जो मैं आपको ये दिखता हूँ तो उसमें मेरे इन बुज़ुर्गों, ये अहमद हसन साहब जो बैठे, मैं जब छोटा था तो हम पड़ोसी हैं एक दूसरे के, बिल्कुल छोटा सा, अब तो मेरे बाल मिर्ज़ा साहब से भी ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, तो फिदा साहब है, तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे सारी ज़िंदगी शफकत और ये जो ब्लेसिंग है इन बुज़ुर्गों की मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही, और ये हमारे लिए भी राशिद साहब ब्लेसिंग है कि ऐसे जो तहरीक में जिन्होंने हिस्सा लिया, तहरीक के सरगर्म कारकुन रहे, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी नस्ल को, हमारी आने वाली नस्लों को बता रहे हैं कि इन लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी सोबतें बर्दाश्त की। मैं अपनी यूथ, ये जो अब हमारे आने वाला कल है, मैं उन बच्चों से, मेरी सिर्फ उस यूथ से एक गुजारिश है कि अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को याद रखना, भूलना नहीं। और सर ये हमारा काम है उनको याद करवाना। करवाना, आप बड़ा अच्छा, मैं दाद देता हूँ आपको, बड़ा एक्सक्लूसिव आपने इस आज़ादी के दिन, इस जश्न आज़ादी पे थोड़ा सा ऑड एंगल से बनाया, वरना मोस्टली हम ऐसे सेलिब्रेशंस जो है ना उसमें भी गिमिक्स क्रिएट करते हैं, एक हल्ला गुल्ला प्लेयर, वो भी ठीक है। बिल्कुल ऐसे मिर्ज़ा साहब, आप भी जो हैं वो तहरीक का हिस्सा रहे, बड़े सरगर्म कारकुन रहे, तो आपके लिए आज़ादी कितना मानी रखती है, आज़ादी की नेमत को आप कैसा देखते हैं? हम तो जी ये जानते हैं, कायदे आज़म ने कहा था यानी तंजीम यकीन मोहकम इतिहाद, उस पर हम कारबंद हुए, हर तरीके से हमने जान मारी और यानी ये इस काबिल हुए कि हम पाकिस्तान बनता देखा। हम बहुत इस वक्त हम मसरूर हैं कि हमारे 14 अगस्त करीब आ रही है और हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। आपने चूंकि जाहिर है कि उस सारी तहरीक में खुद हिस्सा लिया, तो आपने उस वक्त वो जज्बा कैसा देखा, हमारे बुज़ुर्गों में वो जज्बा कैसे पैदा हुआ, अगर आप हमें या हमारे नाज़रीन को कुछ बता सकें कि वो जज्बा हमारी कौम में पैदा कैसे हुआ? मुझे इसी तरह के यानी ऐसा इत्तफाक है कि मेरी वालदा जो कि मुस्लिम लीग की सेक्रेटरी थी वहाँ पे, सही, जनाना मुस्लिम लीग की, उनके नक्शे कदम पे भी मैं चलता गया और कायदे आज़म के असूल उन्होंने अपनाए हुए थे, उस हिसाब से मैं उनके साथ यानी हर रोज़ कोई ना कोई एक्टिविटी होती थी जिस पे मैं हिस्सा लेता था। मैं बहुत इस वक्त खुश हूँ कि हमारा मुल्क आज़ाद है। मैं किस जबान से हूँ कि मैं इंतहाई खुश हूँ। और आज़ादी की खुशी, आज़ादी के मानी आपके मुंह से सुन के जिन्होंने इस तहरीक में हिस्सा लिया, वो हमारा भी सर फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। फिदा साहब, चूँकि कहा जाता है कि लीडर मजबूत हो तो फिर ही कौम बनती है, आपने उस लीडर के साथ काम किया, उस लीडर को काम करते देखा जिसकी बदौलत आज हमें ये मुमलिकत नसीब हुई, तो कायदे आज़म को पहली दफ़ा कब देखा, कब
महसूस हुआ कि ये शख्स जो है कौम की रहनुमाई कर रहा है? जब 23 मार्च 1944 को यानी मतलब तहरीक पाकिस्तान जब शुरू हुई तो मैंने पहली बार कायदे आज़म को देखा और कायदे आज़म के साथ जो लोगों ने मोहब्बत की वह दीवानगी की हद तक मोहब्बत की। हालांकि और भी बहुत सी सियासी जमातें थीं लेकिन मुस्लिम लीग जो थी वो इस वक्त आवाज़ बन गई यानी हिंदुस्तान के 10 करोड़ मुसलमानों के लिए उनकी आवाज़ बन गई कि बन के रहेगा पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। वो यानी जो पहला मिनटों बाद में जलसा जिस चल में मैंने शिरकत की उस वक्त मैं 6वीं जमात में सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर में पढ़ता था। अच्छा, तो मेरे वालद यानी अपना उनका टिकट मेरे हाथ में लग गया तो मैं यानी अपने घर से सीधा यानी अपना मिनटों बाद पहुँचा जहाँ मुस्लिम लीग का जलसा हो रहा था और फिर इतफाक से मैं बढ़ते 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 मैं स्टेज के ऊपर जाता रहा। तो जब यानी अपना बांग्लादेश से यानी अपना कलकत्ते से मौलवी फजल हक साहब आए तो उस वक्त उनके साथ जो जो लोग लाहौर में जब उसमें पंडाल में दाखिल हुए उस वक्त तो इतना जज्बे के साथ लाहौरियों ने उनका इस्तकबाल किया या और उनके साथ जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत कहते थे या कायद आज़म से मोहब्बत कहते थे उन लोगों ने दीवानगी की हद तक उनके साथ मोहब्बत की और उनकी मोहब्बत की मेहरबानी है कि हम आज़ाद बन गए और हमने अपनी आज़ादी पर फख्र। आज हम जब फिदा साहब से ये बातें सुन रहे हैं तो हमें ये कहानी लग रही है कि 1940 को जो कौम का जज्बा था वो कितना दीदनी था। तो फिदा साहब अगर आप हमें बता सकें कि कितने लोग थे उस दिन मिंटो पार्क में, अंदाज़न अगर कोई तकरीबन यानी अपना सूबा सरहद से भी ज़्यादा लोग आए थे, बहुत ज़्यादा लोग आए थे और पाकिस्तान हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों से आए थे तो तादाद तकरीबन 1 लाख से ऊपर थी जो यानी अपना तकरीर सुनने के लिए कायद आज़म की तकरीर सुनने के लिए। जब मैंने बताया ना कि भाई फजल हक साहब यानी बांग्लादेश के जो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो लीडर थे जब वो आए और उस वक्त कायद आज़म तकरीर कर रहे थे तो लोगों ने इतनी दीवानगी इतने पागलपन से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मारे और उनका इस्तकबाल किया। इस पर हमें फख्र है और यानी आज अगर हम अगर आज़ादी की नेमत से फैजयाब हो रहे हैं तो ये उनकी मेहरबानी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। बिल्कुल सही मिर्जा साहब, आप अगर हमें बता सकें कि उस टाइम चूंकि ज़ाहिर है कि आज टीवी का दौर है, अखबार बहुत ज़्यादा हैं, लोगों में शऊर बहुत ज़्यादा है, आपने कहा कि आप उस वक्त 18 बरस के थे जब पाकिस्तान बना, तो लोगों में ये जज्बा कैसे बेदार हो रहा था आज़ादी का? कौन था जो इनकी रहनुमाई कर रहा था और लोग धराधर जो है वो आ रहे थे, कौन इनका जज्बा बेदार कर रहा था? देखा जाए तो यानी इस वक्त गवर्नमेंट भी बकअप कर रही है और लोगों के जज्बात भी अब ऐसे हो गए कि अब सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला सब हालात ठीक हो जाएंगे और पाकिस्तान का ज़िंदगी ज़िंदा रहेगा। अच्छा, मैं ना सिर्फ आपसे अभी हम बात करेंगे आगे कि अब चूंकि आप लोगों ने तहरीक की उसमें सारा हिस्सा लिया हुआ है और आप आज के पाकिस्तान को कैसा देखते हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जब पाकिस्तान बनते हुए देखा तो उस टाइम जो जोश था वो अगर आप हमें बता सकें। यानी ये कहते हुए अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब पाकिस्तान बना है और जब बनते मैंने सब कुछ देखा और इसी लोगों का जज्बे थे सारे कि हर एक कोई खुश था कि भी और बड़े आसानी से वो शिफ्ट होते गए और बड़ा अच्छा मौका बना और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान बनवाया और उसकी खिदमत के लिए हमें अब भी हम हर वक्त तैयार रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और कहा जाता है नाज़रीन के जो फ़नकार होते हैं वो तो सफ़ीर होते हैं, अमन पसंद होते हैं, तो राशिद साहब कितना कितना फ़ख्र महसूस होता है जब बैरून मुल्क ट्रैवल करने का मौका मिले या यहाँ पर कोई आपको मिले? जैन, ये जो मुल्क, ये अर्ज़ पाक, ये जो सुबह आज़ादी जो हमें 14 अगस्त को नसीब हुई वो हमारे इन्हीं बुज़ुर्गों की उस पेशेंस से, उस कमिटमेंट से, उन इरादों, बड़ी कुर्बानियाँ दे के आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही, अपना सब कुछ छोड़ा है वहाँ, अपने अजदाद की कब्रें तक छोड़ के आ गए वहाँ कि हम अपने ये जो एक और जिन ट्रेनों में गाड़ी पता नहीं किन किन
पैदल और किस किस तरह ये इस पाक सरजमीन इस पर पहला कदम रखा और आते ही सबसे पहले सजदा शुक्र अदा किया कि हम अपनी इस अपनी ज़मीन आज़ाद ज़मीन पे आए। तो ये सारे का सारा जो था इन्हीं हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत है। आज ये सारा तो आज हमें जो उसके बाद जिनको ये मुल्क आज़ाद मुल्क बैठे बिठाए बगैर कुर्बानियों के मिल गया है, मैं सोचता हूँ कि मेरी उस यूथ को मेरे उन लोगों को इस मुल्क में ये जो हमारे बुज़ुर्ग जो वहाँ से आए इस आज़ाद वतन में आके इन बुज़ुर्गों ने अपने आज़ाद सांस जो थे वो पूरे किए और इस ज़मीन में इस आज़ाद ज़मीन में दफन हो गए। हम सारे इस पे जिंदा सलामत अपनी अपनी शनाख्त लिए हुए रिस्क रोजी के वसीले लिए हुए भरम लिए हुए क्या क्या हयात है ये मुल्क हमारे अबा ने बड़ी कुर्बानियों से बड़ी कुर्बानियां देकर हासिल किया हुआ है। तो हमारे लिए इससे ज़्यादा मोहतरम और इससे ज़्यादा अजीज और क्या हो सकता है। ये नेमत आज़ादी की जो नेमत है ये उन नेशन से पूछें जो आज भी बेचारे गुलामी गुजार। अब हमारी कश्मीर की मिसाल कैसे लाखों की फौज उन पे अटैक करके चढ़ी हुई है और उन पे और कोई दुनिया में कोई बॉदर नहीं कर रही है। जो हमारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूनिट हैं फलां हैं फलां। तो आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इसमें कोई शक नहीं। और आज का दिन तो खैर तजदीद अहद का दिन है बेशक। आज हमें इस अहद को दोहराना है कि जिस मकसद के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी अब उस मकसद को हासिल करने के लिए हमें उसी जज्बे को बेदार करना है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तीन खूबसूरत सितारे हमारे साथ मौजूद हैं जो आज़ादी की दास्तान सुना रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और हमें फ़ख्र हो रहा है कि हम इन दिन आज़ादी मनाती हुई कौम किस तरह इस कौम ने अपनी आज़ादी को हासिल किया। 14 अगस्त 1947 का वो दिन, वो मुबारक दिन हमारी कौम के लिए कि जब हमारी कौम ने इस वतन अज़ीज़ को हासिल किया। इससे पहले हमें फिदा साहब बता रहे थे कि इनकी मुलाकात हुई 1940 को, इन्होंने पहली दफ़ा देखा कायदे आज़म को मिंटो पार्क में तकरीर करते हुए। तो मिर्ज़ा अहमद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो इनसे भी हम जानेंगे कि इन्होंने कायदे आज़म को पहली दफ़ा कब देखा और इनकी कभी कायदे आज़म से मुलाकात हुई या नहीं हुई, वो जानना भी बड़ा ज़रूरी है। तो मिर्ज़ा साहब आपकी कभी कायदे आज़म से मुलाकात हुई? डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन अहमद वाइस चांसलर थे और 1940 का वाक़ है, वहाँ उन्होंने इनवाइट किया था कायदे आज़म को। अच्छा। अपने हर छमाई में ना किसी न किसी लीडर को और किसी को बुलाते थे तो उनको इनवाइट किया गया था। तो वहाँ मैंने अपने उनकी तस्वीर मेरे पास थी, वो मैं देख के ना उनसे दस्तखत करवाए, वो मेरे पास तस्वीर उनकी पड़ी हुई है। और अब जब उन्होंने उनसे मैं बातचीत, वो उस वक्त बिल्कुल उर्दू नहीं जानते थे, बहुत कम यानी जैसे इशारों से बात करते ना इस तरह वो करते थे। तो मैं फिर ज़्यादा उनसे गुफ्तगू नहीं की, मैं फिर वापस आया। लेकिन उनका जज्बा देख के उनके हालात देख के ये मालूम होता था कि ये हमें सबको कामयाब कराएंगे। बिल्कुल। तो आपकी एक ही मुलाकात हुई कायदे आज़म? बस एक ही मुलाकात हुई, दूसरी मुलाकात जो है ना यानी यूनिवर्सिटी ग्राउंड में। अच्छा, पाकिस्तान बनने के बाद की बात? पाकिस्तान बनने के बाद बस राम दो आई बस। ठीक है, मतलब ये वो खुश नसीब लोग हैं नाज़रीन जिन्होंने उस शख्स को देखा है, उस शख्स से मुलाकात की है जिनकी मेहनत, जिनकी काविशों, जिनकी लीडरशिप की बदौलत आज हम अपने आप को एक आज़ाद मुमलिकत कहते हैं। फिदा साहब मौजूद हैं। फिदा साहब, चूंकि इस वक्त हम मौजूद हैं बॉर्डर पर, ये सरहद है, तो अगर आपके पास कोई सरहद से मुतल्लिक कोई याद है, कोई आपको याद हो इस सरहद पर आपने कोई काम किया तो वो भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दें। सरहद में तो यानी हमारा काम जो था स्टेट बैंक की तरफ से, यानी अपना जितने भी सिविल के महकमे हैं उन महकमे में थे, सिविल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये इजाज़त थी कि वो यानी अपना आने वालों से उनके नोट जो पुराने जो अपना डिमोनेटाइज हो गए थे, जो ख़त्म हो गए थे और उनकी जगह नए नोट जो निकल आए थे, उन नोटों को तबादले में वो नोट हम ले के अपना
उनको यानी अपना रसीद देते थे और उस रसीद से नए अपना पुराने नोट ख़त्म करके नए नोट ले के लोगों को यानी मतलब हम देते थे। बड़ी खूबसूरत यादें हम फिदा साहब और मिर्ज़ा अहमद हसन साहब के साथ शेयर कर रहे हैं और इन्होंने हमें अपनी यादें बताईं पाकिस्तान बनने से पहले। तो राशिद महमूद साहब से मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर चूँकि ये भी कोई अपनी पाकिस्तान से रिलेटेड याद बता दें, दुनिया भर में ट्रेवल किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, तो राशिद साहब अगर आप कोई याद पाकिस्तान से मुतल्लिक बताना चाहें। सबसे पहले तो मैंने जब इन बुज़ुर्गों से ये जो इन्होंने अपनी याददाश्तें अपना वो आप बीतियाँ जिस प्रोसेस से गुजर के आज हम ये बिल्कुल यहाँ से चंद कदम पीछे चले जाएं तो दियारे गैर है, बिल्कुल हम अपनी इस आज़ाद ज़मीन पर सोफे बिठाए, लाइटें लगाए, सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज़ादाना तौर पर बैठे हैं, लेकिन जो पेशेंस जो जिस एतवार से ये सारे के सारे उस दौर में गुजरे, मुझे जावेद कुरैशी साहब का एक शेर याद आया कि ये सारा फैज़ उसी आतिश दुरू का है, इधर डबोया उधर से उभर रहा। वाह, ये सारे वो पेशेंस इन हमारे जो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो आज़ाद ममलिकत दी है जिन्होंने, वो सारे के सारे एक इरादे से, एक डिवोशन से। देखिए मुझे मैं तो चूँकि एक परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड आदमी हूँ, मुझे भी इस पड़ोसी मुल्क से बहुत बरस पहले एक ऑफर हुई थी। अच्छा। अब सारा कुछ जो है वो जो साहब इख्तदार होते हैं या जो हुकूमत है उन्हीं के जिम्मे नहीं होता है, हमें भी बहुत कुछ भी खुद भी करना है। हम हमेशा गिले करते हैं, फलाह ने ये नहीं किया, फलाह ने ये कर दिया, यार किया होगा, छोड़ दो सारा, भूल जाओ। अब हमें सबको, अब हम सबको मिनहसुल कौम मिलकर ये डिसीजन लेना है कि अब हमें क्या करना है इस लम्हे मौजूद में, इस आज़ादी के इस जश्न पे, आज के इस दिन हमें ये तजदीद अहद करना है कि अब हम सबको अपने इस प्यारे इस अर्ज़े पाक के लिए अब हमें सबको मिलके क्या करना। बिल्कुल ऐसे, चूँकि इन लोगों ने तो राशिद साहब आज़ादी देखी ना, कर दिया। मैं सिर्फ इन लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि ये आज का पाकिस्तान कैसा देखते हैं जी। फिदा साहब आपने तो चूँकि वो सारा मरहला देखा, कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी सोहबतें बर्दाश्त की और उसके बाद ये पाक सरजमीन हमें नसीब हुई, आज का पाकिस्तान आप कैसा देखते हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है जो कायद आज़म ने बनाया था या जब जिस जज्बे से पाकिस्तान बना था, आज वो जज्बा मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद फिर जब भी कभी यानी अपने टेलीविजन पे मैं यानी अपना किसी जलसे में, किसी यानी आज तकरीब में मैं देखता हूँ तो मुझे मुसलमान जो यानी वहाँ उस तकरीब में शमूलियत करते हैं उन्हें देख कर मुझे खुशी होती है कि ये पाकिस्तान के भेजे, पाकिस्तान को मानने वाले, पाकिस्तान को चाहने वाले लगाए भी मौजूद हैं और उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान बनाना नहीं चाहते थे, वो आज भी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान गलत बन गया लेकिन पाकिस्तान की जो नस्ल आज जवान हो रही है, जवान हो रही है और ये इंशाल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 या 4 साल की बात है, इसके बाद जो पाकिस्तान बनेगा वो आज का नौजवान मुसलमान नौजवान जो है बना के रहेगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उनकी आवाज़ से ज़्यादा तेज़ी के साथ, ज़्यादा आवाज़ के साथ उनका नारे की आवाज़ आएगी, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मिर्ज़ा साहब अगर आप हमें बता सकें कि आज का पाकिस्तान आप कैसा देखते हैं, आपने तो पाकिस्तान बनते हुए देखा, वो जज्बा भी देखा और चूंकि फिदा साहब ने कहा कि आज ये वो कौम में वो जज्बा नहीं देख रहे जो इन्होंने 1947 या 1940 में देखा, तो आप आज जज्बा कैसा देखते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो कोयटे का वाकया हुआ उस वजह से सबको होश आ गई है और अब तंदरी से ये काम करेंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ज़रूर कामयाब हो जाएगा, हालात सब अच्छे हो जाएंगे माशाल्लाह। आज भी जो है वो ये नाउमीद नहीं है राशिद साहब, सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमारे बुज़ुर्ग जो हैं जिन्होंने ख़ुद कुर्बानियाँ देकर, ख़ुद मेहनत कर ये वतन अजीज़ हासिल किया, ये आज भी नाउमीद नहीं है। हम हैं चरागे आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं, उजाला आएगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है, मायूसी वाली बात नहीं। देखें अच्छे बुरे घुस बैठिए हर जगह होते हैं,
वो लोग उनका किसी रिलीजन से, किसी कौमियत से, किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जो जहाँ रहते हैं, जहाँ खाते हैं, जहाँ पीते हैं, जहाँ ग्रूम होते हैं, जहाँ उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड हर चीज़ होती है, वो उसके भी लॉयल नहीं होते, उनका कोई मज़हब नहीं होता। तो ऐसे लोग जो हैं वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे इस मुल्क में उनको बहुत हद तक तो काबू कर लिया गया है, जो बचे हैं वो भी नहीं बचेंगे इंशाल्लाह। आने वाला कल जो है वो बहुत अच्छा, बहुत उम्दा और बहुत बेहतरीन होगा। और ये जो हमारे बड़ों ने हमें ये जो मुल्क दिया है, और मैं भी अब अपने इन्हीं बड़ों में अपनों को शुमार कर लेता हूँ, तो उसमें जो हमारे, हाँ, आई एम ए यंग ओल्ड मैन, तो इंशाल्लाह ताला आने वाला जो दौर है वो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन। सर, आज हम अक्सर ये बात करते हैं कि जो पाकिस्तान के मसाइल, चूँकि आपकी आपका प्रोफेशन ऐसा है, आपका जिस शोबे से ताल्लुक़ है, आप भी रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान, बिल्कुल करता हूँ, तो फनकार बरादरी अपने काम से, अपने शोबे से, अपने प्रोफेशन से पाकिस्तान के वो मसाइल या पाकिस्तान में वो जज्बा क्यों उजागर नहीं कर सकी जो करना चाहिए था? उसकी वजह मैं समझता हूँ कि हमारा इस सब कॉन्टिनेंट में ड्रामा रूट से रिलेटेड हकीकतें हम मौजूद हैं, ये इजाद हमने किया था पाकिस्तान में, पाकिस्तान टेलीविजन से हमने डोमिनेट किया इस सब कॉन्टिनेंट में, नहीं बल्कि दुनिया भर में। उसकी वजह ये थी कि हम अपने रूट से रिलेटेड थे, हम ओन करते थे उसे। जब हमने ख्वाब बेचने शुरू किए, बर्बादियाँ तब शुरू की। ख्वाब जो हैं वो तो ख्वाब है, अब आप कोई ख्वाब देखते हो तो उसकी ताबीर भी आप ही को करनी, मौजे नहीं होते, अब हो चुके वो सारा कुछ। उसमें ये हुआ कि हमने आसानियाँ, गेमिक्स क्रिएट करने शुरू कर दिए। हमें ये जहन में रखना चाहिए कि हम वही मुस्लिम, फिर उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं। मेरा रिलीजन जो है उसने बहुत आज़ादियाँ, दुनिया का कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जिसमें इस कदर आज़ादी हो, कोई शक नहीं। बाद दफ़ा मैं, मेरी एक बात पर शुमार लोगों ने एतराज़ भी किया कि हमारे मुल्क में दो ऑस्कर अवार्ड लेके आई हमारी एक बेटी, बिल्कुल उबैद चुना, मुझे बड़ी खुशी हुई कि लो जी उन्होंने, हमारी एक पाकिस्तानी बेटी ने दो ऑस्कर अवार्ड लिए। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल पैदा हुआ, ये मैं इससे पहले भी कई जगह गुजारिश कर चुका हूँ, कि क्या हमारे रिलीजन में औरतों को सिर्फ हम सुनब ही करते, उस पर तजाद फेंकते, गैरत के नाम पे ख़त्म कर देते? अरे हमारे रिलीजन ने औरत को जो जो इंसेंटिव दिए हुए वो इस मगरबी दुनिया के इल्म में नहीं है, उनके यहाँ वो पिक्चर दिखाने की ज़रूरत है। तो मेरी उससे गुजारिश, मैंने उसमें, चले आज इस फोरम के हवाले से आज़ादी के जश्न में मैं फिर एक बार अपनी उस बेटी से गुजारिश करता हूँ कि मेरे बच्चे अब के बार कोई एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री, कोई ऐसी बना के लेके जाओ उस ऑस्कर अवार्ड के लिए, जिसमें वो चीज़ें जो इस सारी मगरबी दुनिया से औजल है, जो हम अपनी खवातीन को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, उनको वो देते हैं, उसकी भी प्रोजेक्शन बना के लो, वो भी ज़रूरी है, बिल्कुल आने चाहिए। तो हमारी जो कदरें हैं, जो हमारे, ये पाकिस्तान ऐसे ही थोड़ी बन गया, कमिटेड लोग थे तो बनाना हमें, और वो कमिटेड जो हमारे साथ लोग बैठे हैं, इनकी मेहनत हमें पता लग रही है, हाँ, जो अपनी तो हमें बातों से वो हमें बता रहे हैं, हमें उसको लेके चलना, उन ट्रेडिशंस को, उन रिवायात को, उन कदरों को जो ये छोड़ के जा रहे हैं हमारे पास, हमें अपनी जाती छोटी छोटी मनफतों के लिए हम एक दूसरे पे, ये नहीं, ऐसा नहीं है। और हम सब ऐसे नहीं हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। हमारे मुल्क में ये जो छोटे, कभी कभी ये जो होता है, तो ये ना तो पाकिस्तानी है ना मुस्लिम है, पता नहीं कौन है ये। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक इनका नहीं, इलाज शुरू हो चुका है। फैदा साहब ने भी और मिर्जा साहब ने भी, ये आपने खुद पहले कहा कि ये नौजवान थे जब इन्होंने उस तहरीक में हिस्सा लिया, तो फैदा साहब आज का जो नौजवान है आप उसको कैसा देखते हैं? चूँकि हम कहते हैं कि इन्हीं नौजवानों के हाथों में तकदीर है, इन्होंने ही मुल्क का मुस्तकबिल संभालना है, तो एक वो नौजवान थे जब आप जवान थे और आपने तहरीक में हिस्सा लिया, आज के नौजवान को आप कैसा देख रहे हैं? आपका नौजवान जो है वो बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें जो लीडरशिप मिली है वो ऐसी गलत है कि वो अपनी दौलत इकट्ठी करने जा रहे हैं, लेकिन मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर वो मुल्क के लिए कुछ करता है तो पाकिस्तान की ये हालत ना होती। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज नहीं, कल नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल यानी मतलब 10 या 8 या 9 साल से पहले पाकिस्तान का नौजवान मुस्तकबिल ऐसा पाकिस्तान बना जाएगा जो कायदे आज़म जो पाकिस्तान चाहते थे। बिल्कुल, कायदे आज़म जो पाकिस्तान चाहते थे वैसा पाकिस्तान नौजवान
बनाएगा इंशाल्लाह। सॉरी फॉर इंटरप्शन जैन, बाज़ दफ़ा मैं जब अपनी यूथ से ये कमेंट सुनता हूँ, मेरा मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता है, बच्चों से गुफ्तगू के मौके मिलते रहते हैं, तो मैं देखता हूँ कि मोस्टली गिला या शिकायत जो आज के नौजवान को है वो ये है कि जी मेरे पास वसाइल नहीं है, मुझे वो सराउंडिंग नहीं है नहीं जो इनके पास है, इनके पास है, इनके हुआ करे यार। आपके पास किसी भी नौजवान के लिए ज़िंदगी के सफ़र में सबसे प्लस बड़ा पॉइंट जो है उसका ज़ादेरा वो ब्लेसिंग है जो उसके पेरेंट्स की दुआएं उसके साथ, बिल्कुल उसको कौन छीनेगा, उसका कोई नेमुल बदल नहीं नहीं। और जो अपने उस दुआओं के तोफैल अपनी ज़िंदगी अपने मकाम और वो सारा कुछ बीच के जाते हैं अगली जनरेशनों के लिए, वो ज़्यादा काबिल एहतराम लोग होते हैं। इन्होंने सब कुछ जो इनकी सराउंडिंग में हमारे बुजुर्गों से कोई मुआफ़त तो थी नहीं, तो बन गया ना पाकिस्तान, तो ये कबाहतें खत्म हो जाएंगी, कोई ऐसी गिले शिकायतें। बिल्कुल, मेरे प्रोग्राम का राशिद साहब वक्त ख़त्म हो रहा है और हमारे साथ दो ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा। मैं ये सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर ये दोनों कोई आज के नौजवानों के लिए, आज हमारी कौम के लिए कोई अपना एक पैगाम दे दें, ताकि लोगों को पता चल सके कि आपने कितनी कुर्बानियाँ देकर कितनी मेहनत से ये वतन अजीज़ हासिल किया है। तो फिदा साहब, कोई पैगाम देना चाहें आप? मुझे आज भी जिन लोगों से मिलने का इत्तेफाक होता है, आज भी जिस तकरीर में जाने का इत्तेफाक होता है, आज भी मैं जहाँ जाता हूँ मैं कहता हूँ सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत करो, पाकिस्तान से मोहब्बत करो, पाकिस्तान से मोहब्बत करो। अभी ज़्यादा तीन या चार दिन हुए हैं, बच्चों का एक प्रोग्राम था यानी अपना ये तहरीक पाकिस्तान की तरफ से, तो मैंने वहाँ जो बच्चे इकट्ठे किए हुए थे, मैंने कहा आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत करो और कोई किसी की बात न मानो कि ये फला रुपया ले गया बाहर, फला आदमी फला बाहर ले गया। आप सिर्फ पाकिस्तान को देखो कि आपने पाकिस्तान से मोहब्बत करनी है, तो फिर देखेंगे कैसे ये पाकिस्तान की दौलत बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, इन्होंने पाकिस्तान को बेसिकली करीब से देखा है, इसीलिए ये जहाँ पर जाते होंगे पाकिस्तान की बात करते होंगे। मिर्ज़ा साहब, अगर आप कोई पैगाम दे सकें उन लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं, आप कोई पैगाम पाकिस्तान के अवाम को देना चाहें? मैं तो ये कहूँगा जी कि अवाम को अब समझ लेना चाहिए कि हमारी जो तहजीब और जो सजू है वो उसके लिए वो सरबुलंदी के लिए तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत 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 खूबसूरत पैगाम राशिद साहब। वेरी शॉर्टली, मैं अपनी यूथ से अपने तमाम उनसे कहूँगा कि सबसे पहले तो ये रखो वी आर मुस्लिम्स। बिल्कुल ऐसे, उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं। आपका कोई फेल, आपका कोई अमल, आपका कोई जेस्चर ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे मेरे रिलीजन को, मेरे पाकिस्तान की डिग्निटी है उसको कुछ हो। सब कुछ है यहाँ, आप ख्वाब भी देखो, लेकिन उस ख्वाब की ताबीर के लिए आपको डिवोशन और कमिटमेंट और इरादा भी खुद करना है। सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। लेकिन हमें अपना किरदार उसमें अदा करना है। मुझे जिस मुल्क में मुझे सब कुछ दे दिया वो, मैंने भी तो उसको कुछ देना है। मुझे अपने गिरफ्त, मुझे क्या देना है ये अपने अंदर तक ये हमें खुद तलाश करना है। नाज़रीन, तीनों मेहमानों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज़ादी की दास्तान उन लोगों से हमने आपको सुनवाई जिन्होंने उस आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया है। प्रोग्राम के अख्ताम में कुछ बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे प्रोग्राम के शुरुआत ने भी कहा कि हम गिला तो बहुत करते हैं, हम शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन हमें अपने गिरेबानों में भी झांकना है कि इस मुल्क के लिए हमने क्या किया। हम तनकीद बहुत करते हैं, तनकीद बराए तनकीद करते हैं, लेकिन एक दफ़ा आज चूँकि 14 अगस्त का दिन है, हम एक आज़ाद रियासत में बैठे हैं, आज़ाद मुमलिकत में बैठे हैं, हम आज़ादी से इस मुल्क में घूम सकते हैं। ये हमारा मुल्क है, ये हमारी मिट्टी है, अब हमें इसको हमारे से कोई नहीं छीन सकता। तो सिर्फ आज के दिन ये ज़रूर सोचें कि हमने इस मुल्क को, इस मिट्टी को, इस मुल्क के उन बुज़ुर्गों को जिन्होंने इस मुल्क को पाने के लिए कुर्बानियाँ दी, उनको क्या दिया हमने। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चूँकि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है, पाकिस्तान को मुआशी दहशतगर्दी का सामना है, तो हमने अपने दहशतगर्द को भी शिकस्त देनी है, हमने मुआशी दहशतगर्द को भी शिकस्त देनी है। और आज के दिन चूँकि तजदीद अहद का दिन है, हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करना है जो आज भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और आज उनकी कुर्बानियों की बदौलत हम
और आप अपने घरों में खुद को महफूज समझते हैं। ज़ैन अली को इजाज़त दें, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।